भारतीय संस्कृति के मूल स्तंभ संत होते हैं। संतों की छवि को धूमिल करने का हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। विभाग देखे जाएँ तो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से, फॉरेन फंडिंग के माध्यम से उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज संत आसाराम जी बापू को ही देख लीजिए, 80 वर्षीय संत हैं। आपको क्या लगता है, जो हिंदू संस्कृति के क्षरण के लिए जो षड्यंत्र चला जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक हिंदू संतों पर अटैक किए जा रहे हैं, उनके लिए भ्रामक जानकारियाँ समाज में जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। आशाराम जी नहीं, प्रज्ञा ठाकुर जी ले लो आप, असीमानंद जी को ले लें, और भी अन्य संत हैं जिनके चरित्रहनन के प्रयास किए जा रहे हैं। और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तथ्यात्मक बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए, केवल एक अफवाह के तौर पर या किसी एक मुहिम के तौर पर जो सूचनाएँ आती हैं उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं, जो उचित नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि ये संत ऐसे हैं और इन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं। मैं अंतर्मन से जो अनुभव करता हूँ और समाज में जो मैं देख रहा हूँ कि आशाराम जी का जो एक साधक का स्वरूप है वो वाकई में निर्दोष हैं, और एक न एक दिन समय ये बात सिद्ध करेगा। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि साधकों के लिए आज नहीं अनादिकाल से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। इस जनता ने, विधर्मियों ने इस भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, कई संतों को नहीं छोड़ा, संत ज्ञानेश्वर को नहीं छोड़ा, तो इनके आरोप प्रत्यारोप से साधकों का बल कम नहीं होता, साधकों का बल और दिन रात चौगुना बढ़ता है। मैं गणपति से प्रार्थना करता हूँ, श्री सुंदर विनायक से प्रार्थना करता हूँ कि सभी संत निर्दोष साबित हों, आशाराम जी भी निर्दोष साबित हों, उन्हें जल्दी न्याय मिले और वे पुनः अपने साधकों के बीच, अपने भक्तों के बीच में आएं और वैदिक धर्म का प्रचार करने में संलग्न रहें। जय शिवा।